नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। यूपी के हमीरपुर जिले में 20 दिन पूर्व सुमेरपुर थाना क्षेत्र के छोटा कछार गांव के नीचे नदी किनारे सुभाष पुत्र दयानंद निवासी कुमाऊपुर के मिले शव के मामले में सुमेरपुर थाने में शिकायत करने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के विरोध में आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबंधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पिता ने अतिरिक्त एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उपरोक्त लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। थाना ललपुरा पता जिला पता है। क्या हुआ आपके बच्चे साथ? मेरे लड़के का मर्डर हो गया है। वो अपनी दीदी को भेजने गया था नारायण थाना चांदपुर लगता है, जिला फतेहपुर लगता है। पप्पू नाम का एक लड़का आया और मेरे लड़के को साथ में लेकर चला गया। छोटा कछार लमसम अपनी दीदी के यहाँ से ले गए सुधा के जैसे, तो 50 किलोमीटर लमसम जाकर के उसको छोटा कछार में पानी में डुबा करके मार डाला। उसकी बॉडी छोटा कछार मिली। हमने बरुआ समेतपुर थाने में तहरीर दी। इसके अलावा 10 दिन हमने चक्कर लगाते रहे, आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आज कहाँ आए? आज हम आए थे जिलाधिकारी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब को भी दे चुके हैं प्रार्थना पत्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद सर। अभी काफ़ी संख्या में एकत्र आए थे। इनके द्वारा बताया गया कि गांव के दयानंद पुत्र अपना निषाद का लड़का, उसे गांव के कुछ लोग ले गए और कहीं नदी में डूबो के उसकी हत्या कर दी गई। उनकी शिकायत ऐसी कि संबंधित थाने पर FIR नहीं हो रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की है कि FIR करा के दोषियों को लिया जाए। इनका प्राप्त हुआ है, इसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। SP साहब को थाने के दौरान कार्रवाई की है।